नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 के बच्चे हिंदी व्याकरण का पार्ट 8 रिवाइज करेंगे मेरे साथ। पार्ट 8 जिसका नाम है लिंग। तो बच्चों, इसमें एक्सरसाइज हमें रिवाइज करनी है, कुछ प्रश्न भी हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 से हम शुरू करेंगे अभ्यास कार्य में। प्रश्न नंबर 1 है, इसमें नीचे दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग शब्दों पर सही का निशान लगाइए। जो शब्द स्त्रीलिंग है उन पर सही का निशान लगाना है। जनवरी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। इसके बाद पृथ्वी शब्द स्त्रीलिंग है। आँख स्त्रीलिंग है, आँख शब्द स्त्रीलिंग है। इसके बाद इमली शब्द स्त्रीलिंग है। चंद्र शब्द, चांदी शब्द इसमें स्त्रीलिंग है। इसके बाद इसमें लेके चले तो खीर शब्द स्त्रीलिंग है और जलेबी शब्द स्त्रीलिंग है, गली शब्द स्त्रीलिंग है और नदी शब्द स्त्रीलिंग है। तो इन शब्दों में जितने भी शब्द हैं स्त्रीलिंग हैं उनको हमने सबको सही का निशान लगा दिया है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। नीचे दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग लिखिए। ये जो शब्द दिए गए हैं इनके स्त्रीलिंग शब्द बदलने हैं, लिखने हैं। क्या होगा? लोहार का लोहारी, अध्यापक का अध्यापिका, नौकर का नौकरानी, वर का वधू, प्रश्न नंबर तीन है, नीचे दिए गए शब्दों के पुल्लिंग शब्द लिखिए। अब जो ये शब्द दिया गया इसके पुल्लिंग शब्द लिखने हैं। इसमें ब्राह्मणी का होगा ब्राह्मण, तेलिन का होगा तेली, ठकुराइन का होगा ठाकुर। ब्राह्मणी का ब्राह्मण, तेलिन का तेली, ठकुराइन का ठाकुर, दिव्या का टिब्बा, इंद्राणी का इंद्र और नाइन का नाई। अब प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे छपे शब्दों का लिंग बदलकर पहचान कर लिखिए। इसमें ये जो शब्द कुछ डार्क डार्क दिए गए हैं इन शब्दों के लिंग पहचान कर हमें बताने हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो पहला, इसमें मीरा ने जहर का प्याला पी लिया, प्याला शब्द क्या है? पुल्लिंग है। राम से गले मिलकर भरत के नयन भीग गए, तो नयन है पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद ग है, ये घ नहीं है बच्चों, ये ग है। ग में है मंगल ग्रह पर जीवन की खोज की जा रही है, तो मंगल ग्रह स्त्रीलिंग है। अब इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। नीचे दिए गए वाक्यों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। तो हमें इन वाक्यों को दोबारा लिखना है, जिसमें प्रश्न नंबर का है, ग्वाला दूध में पानी मिलाकर लाया है। तो इसका हम लिंग बदलकर वाक्य को दोबारा लिखेंगे, ग्वालिन दूध में पानी मिलाकर लाई है। अब है प्रश्न नंबर 6, सभी कवियों ने सुंदर कविताएं सुनाई। तो यहाँ आएगा, सभी कवयित्रियों ने सुंदर कविताएं सुनाई। ग में है लड़की अपने माता पिता के साथ आई थी। तो यहाँ आएगा, लड़का अपने माता पिता के साथ गया था। तो इस तरह से हमें इनको बदलना है। इसके बाद प्रश्न उत्तर है प्रश्न नंबर 6 में। पहला प्रश्न है, इसमें लिंग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, शब्द के जिस रूप से पुरुष या अथवा स्त्री जाति का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है वो लिंग कहलाता है। अब है प्रश्न नंबर 6, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, लिंग के 2 भेद होते हैं, या लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब इसमें पहला है पुल्लिंग, तो जिस शब्द से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे मोर, हाथी, शेर, आदमी आदि। और इसके बाद स्त्रीलिंग की परिभाषा में, जिस शब्द से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मोरनी, माता, लड़की आदि। तो बच्चों, इस तरह से आपको अपने इस पाठ का रिवीजन करना है। अच्छे से रिवीजन करिए और याद करने के बाद इनको लिख करके देखिए। धन्यवाद।